औरंगाबाद सोनहर रोड में अज्ञात युवक का शव ट्रॉली बैग में बंद कर लावारिस फेंका हुआ बरामद हुआ है। सोनहर किनारे ट्रॉली बैग में एक युवक का शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, उसके बावजूद किसी ने मृतक के शव की शिनाख्त नहीं की। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय जानीपुर थाना पहुंची पुलिस और शव को बरामद कर शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं होने पर पोस्टमार्टम के लिए एम्स पटना पुलिस ने भेज दिया, आगे की कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि सोन नहर रोड में कई सालों में अनेकों ऐसे शव सड़क किनारे फेंके हुए बरामद हुए हैं, लेकिन किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई। पटना से झारखंड तक जाने वाली सोन नहर मार्ग का अपराधी हत्या के बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। दूर दराज के जिलों से हत्या के बाद घटना के सोन नहर में शव ठिकाने लगाने की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इधर जानीपुर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सोनहर रोड में गाजा चक महमूदपुर गांव के सामने सड़क किनारे लावारिस खून सना बैग फेंका हुआ देखकर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ट्रॉली बैग को खोला तो उसमें करीब 40 साल के एक युवक का शव बरामद हुआ। ट्रॉली बैग में शव के टुकड़े टुकड़े को इस तरह से रखा हुआ था जैसे कपड़ों या अन्य सामान को बैग में रखा जाता है। मृतक का सर सहित शरीर को कई टुकड़ों में काटकर अज्ञात अपराधियों ने शव को जानीपुर थाना क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि अन्यत्र इलाके से हत्या करके शव को इस इलाके में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। इसके अलावा पुलिस अन्य पहलुओं पर भी तफ्तीश से जुट गई है। रोड में गाया चक महमद के गांव के सामने नहर के किनारे झाड़ी पर झाड़ी के पास एक बैग सूटकेस बैग में सूटकेस बैग फेंके जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के सत्यापन हेतु गश्ती पार्टी में भेजा गया। पश्चात पता चला कि बैग में एक ज्ञात युवक 25-30 साल के युवक का सब पड़ा हुआ है, जिसको देखने से प्रतीत होता है उसकी हत्या करके सबको छुपाने के उद्देश्य से यहाँ फेंक दिया गया है। करके पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है, सबकी पहचान हेतु अंतर कार्रवाई की जा रही है।